so having done the advertisement now and having seen lot of examples let us move to another part of our syllabus content and that is notice to notice matlab dhyan dhyan dena i noticed a change in you आई नोटिस ए चेंज इन यू मैंने तुम्हें कुछ परिवर्तन देखा है मेरा ध्यान परिवर्तनों पर गया है डिड यू नोटिस दैट द वॉल इज ब्रोकन क्या तुमने ध्यान दिया कि दीवार टूटी है डिड यू नोटिस दैट द वॉल इज ब्रोकन डिड यू नोटिस दैट ही वॉज ड्राइविंग हिस्स कार वेरी फास्ट तो ये तो हुआ नोटिस वहीं से बना हुआ है ये शब्द नोटिस एन ओ टी आई सी नोटिस मतलब ध्यान देने के लिए कुछ बात आखिर नोटिस क्या है हम आप समझते हैं बहुत बार हमने नोटिस पढ़ा है देखा है लेकिन उसको परिभाषित करना सही तरीके से समझना और बनाना वी हैव टू अंडरस्टैंड सो वॉट इज अ नोटिस इट इज नॉर्मली ऑन ए प्रिंटेड और न्यूज़पेपर मटेरियल और मे बी इससे अमाउंट ऑफ सम इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट कोई घटना कोई प्रोग्राम उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती नोटिस उसमें क्या रहता है बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि रादर इट्स ए फॉर्मल अनाउंसमेंट नोटिस जो है एक तरीके का formal announcement informal announcement nahi. formal announcement of what of some happening of some function of some some anything of public importance that is called notice. So notice is in the always in the form of written form Ye baat rakhenke, notice is always in written form. secondly, नोटिस इज देयर टू ड्रॉ टू ब्रिंक टू द नॉलेज ऑफ पीपल जनता के ध्यान में लाने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है वो नोटिस कहला जनता का को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है एडवर्टाइजमेंट इज टू कैच देयर अटेंशन बट नोटिस इज नॉट टू कैच अटेंशन नोटिस इज टू सेंड इन्फॉर्मेशन कोई सूचना देना नोटिस यानी हिंदी में सूचना किसी तरह की सूचना देना जानकारी देने के लिए कई बार हम नोटिस के माध्यम से वार्निंग भी देते हैं वार्निंग देना कुछ कॉशन देना उदाहरण के लिए एक नोटिस चस्पा रहेगा समुद्र के किनारे लिखा रहेगा डू नॉट क्रॉस बियॉन्ड दिस डेंजर एक आध नोटिस आपने कई जगह देखा होगा बिजली के हेवी पोल हैं उसके पास जाना मना है तो नोटिस रहेगा एनी वन क्रॉसिंग दिस विल इन्वाइट डेंजर खतरा इन्वाइट कर रहा है खतरे को आमंत्रित कर रहा है सो दैट्स इट इज़ अ नोटिस ऑफ वार्निंग तो नोटिस के भी कई टाइप होते हैं कई प्रकार हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नोटिस हैं ये कहाँ रहते हैं मैंने जैसे बताया कि नोटिस लोगों को सूचना देने के लिए है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं तो सूचना देने के लिए उसे ऐसी जगह पे नोटिस रहता है जहाँ पर लोग जाता आते जाते हैं जहाँ पर लोगों का मूवमेंट है उदाहरण के लिए आप स्कूल में यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट स्कूल में कहाँ नोटिस रहता है सामान्यतः स्कूल में या तो गेट के पास होगा या भवन में जहाँ आप एंटर करते हैं वहाँ होगा या गैलरी जिस पर आप चलते हैं वहाँ के वहाँ पर लगा होगा सो दैट वाइल गोइंग वॉकिंग यू कैन जस्ट हैव ए लुक एट व्हाट इज देयर तो नोटिस के ये कुछ फीचर्स हैं नॉर्मली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इवेंट के बारे में बताने के लिए जिस पर हम आगे और आएंगे आप और नोटिस देखेंगे तो so नोटिस मतलब सूचना ना लेटेस्ट कम टू द फॉर्मेट ऑफ नोटिस जैसा आपने क्लासिफाइड ऐड का फॉर्मेट देखा फॉर्मेट मतलब क्या होता है किस तरीके से लिखा जाता है उसका बॉडी सबसे ऊपर शीर्षक उसके बाद कंटेंट उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आदि आदि फिर हाईलाइटेड तो यहाँ पर नोटिस की बॉडी में क्या रहता नोटिस क्या रहता सबसे ऊपर तो रहेगा नेम ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए इतने सारे नोटिस आप देख रहे हैं एक के बाद एक सभी तरह के नोटिस हैं हम इसी से चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नोटिस क्या है सबसे ऊपर आपने देखा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी जो नोटिस निकाल रहा है जिसने वो नोटिस तैयार किया है उसका नाम होगा या उसके उस संस्था का नाम होगा राइट right? सबसे पहला तो वो दूसरा होगा उसके नीचे लिखा होगा बड़े अक्षरों में नोटिस ताकि स्पष्ट हो जाए कि एक नोटिस यहाँ चस्पा हुआ है तो इसलिए सबसे ऊपर तो संस्था का नाम जिसने वो नोटिस निकाला है उसके बाद नोटिस शब्द वहाँ रहेगा नोटिस शब्द लिखा होने के बाद जो जिस चीज के लिए नोटिस है उसका हेडिंग रहेगा सबसे ऊपर संस्था का नाम फिर नोटिस शब्द उसके नीचे किस चीज का नोटिस एनुअल फंक्शन फेयरवेल पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिक्योरिटी तो ये नोटिस में आप देख रहे हैं कि नोटिस में तीसरी लाइन जो रहती है वो हेडिंग की रहती टाइटल की रहती शीर्षक की रहती ताकि पढ़ने वाला सो दैट द रीडर रीड द वर्ड नोटिस एंड देन लुक्स फॉर व्हाट द नोटिस इज ऑल अबाउट वो फिर टाइटल देखता है तुरंत तो नीचे टाइटल हैगा अब टाइटल के बाद क्या रहता है टाइटल के बाद दो लाइनें छोड़ दी जाती हैं और दो लाइन छोड़ने के बाद जिस चीज का नोटिस है वह शुरू होता है नोटिस से चिपका के टाइटल या टाइटल से चिपका कर आ, आ, वो नहीं बनाया जाता टाइटल से चिपका कर कंटेंट नहीं रहता करीब दो लाइन छोड़ दी जाती ताकि नोटिस और टाइटल बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें और ये जो नोटिस रहेगा ये बड़ी सिंपल भाषा में सरल भाषा में रहेगा पहली बात दूसरा संक्षिप्त में रहेगा लंबी राम कहानी नहीं रहेगी नोटिस यानी जिस विषय के बारे में हमको बात करना है उस विषय को बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बोल देना इट विल बी सिंपल इट विल बी ब्रीफ इट विल बी टू द पॉइंट वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट देयर आफ्टर इट विल बी एड्रेस टू द थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन मतलब मुझे आपको नहीं लिखने वाला अपने को संबोधित नहीं कर रहा है लिखने वाला यू नहीं लिख रहा वो थर्ड पर्सन को है इट्स इट्स ऑन द थर्ड पर्सन नेक्स्ट इज अब यहां पर मैंने लिख दिया नोटिस के बारे में कि हियर बाय आर इनफॉर्म आप हेयर बाय इट इज इन्फॉर्म दैट दिस एरिया इज डेंजरस एरिया प्लीज डू नॉट क्रॉस दिस बैरियर मैंने लिख दिया अब उसके बाद क्या होगा उसके नीचे फिर आएगा अंडर साइंड मतलब मेरा उसमें जिसने नोटिस दिया है उसका सिग्नेचर होगा सिग्नेचर के बाद उसका डेजिग्नेशन होगा और ये दोनों किस तरफ रहेगा सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लेफ्ट साइड में रहेगा जैसा आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर संस्था का नाम उसके बाद शब्द नोटिस उसके बाद टाइटल और टाइटल के बाद फिर कंटेंट और कंटेंट के बाद फिर विज्ञापन या नोटिस देने वाले का नाम दस्तखत, नाम पता और उसका पद ये बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद क्या रहेगा टॉप में और बॉटम में दोनों जगह तारीख रहेगी ताकि पढ़ने वाले को मालूम रहे कि ये नोटिस कितना पुराना है कई बार क्या होता है नोटिस में तारीख भी दी रहती है कि यह जैसे उदाहरण के लिए एक नोटिस चस्पा किया सोसाइटी के ऑफिस में जो कॉलोनी है कॉलोनी के गेट पे कि इस तारीख से इस तारीख तक पानी की सेवा बंद रहेगी क्योंकि टंकी में सुधार कार्य रहेगा होगा

और मैं 25 तारीख को पढ़ता हूं और तारीख नहीं पढ़ता और फिर घबरा जाता हूं कि अरे तीन दिन बंद रहेगा वो तो पहले की सूचना है नोटिस इज ओल्ड तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं देर विल बी डेट क्लियरली मैंशन बोथ ऑन टॉप एंड द बॉटम बोथ विल बी टॉप एंड बॉटम दोनों जगह बड़ा स्पष्ट लिखा रहेगा उसके बाद एक चीज जो आपको ख्याल रखनी है कि जो मैंने जो नोटिस दिया है जो नोटिस लिखा है वो एक बॉक्स में रहेगा मतलब उसके अंदर वो सूचना रहेगी बाहर नहीं सो व्हाट आई मीन इज दैट द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस इज वेरी स्टैंडर्ड आप देखिए एक के बाद एक कई तरह के नोटिस हैं और इन सब नोटिस में कुछ चीजें कॉमन हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट नेम ऑन द टॉप टू देंड एट द बॉटम थिंग्स आर कॉमन बीच में जो बॉडी है बीच का जो कंटेंट है वो कंटेंट बदलता रहता है किस चीज का नोटिस है इसको लेकर बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन सो वी हैव अंडरस्ट नाउ वॉट इज नोटिस इट्स ऑन ए प्रिंटेड थिंग ऑलवेज जो हमेशा लिखा रहता है या प्रिंटेड ये कागज में रहता है किसी चीज में लिखा रहता है नोटिस इस तरीके से नहीं दिया जाता कि जो चमकती हुई लाइट हो स्क्रॉल कर रहा हो नो नोटिस इज नॉर्मली प्रिंटेड मैटर इट इज़ ऑन ए बोर्ड इट इज इन ए पब्लिक प्लेस और कई बार वार्निंग दी जाती है जब सुनामी आप जानते हैं सुनामी समुद्र तो के किनारे में सुनामी आया था तो वहाँ कोई नोटिस नहीं टंगा था कोई नोटिस नहीं लगा था कि कल सुनामी आने वाला है यदि ऐसा नोटिस वहाँ पर पहले से लगा दिया जाता तो नोटिस इज़ ऑल्सो फॉर कॉशन प्रिकॉशन एक पूर्व सूचना के लिए भी नोटिस लगाया जाता है पूर्व चेतावनी के लिए भी नोटिस लगाया जाता है कई बार नोटिस में लिखा रहता है चेतावनी किस बात की चेतावनी कि इसको क्रॉस मत करें यहाँ खतरा है कई बार इस बात की चेतावनी कि ये सड़क कच्ची ये सड़क बहुत खतरनाक हो गई है अभी इस पर यात्रा मत ना करें ऐसी नोटिस वहाँ लगा हुआ है सो नोटिस इज ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्म एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज दैट यू कैन सी फॉर ऑल द नोटिस वन आफ्टर द अदर नोटिसेस आर ऑफ मैनी टाइप बहुत चीज़ों के नोटिस होते हैं तो वी डोंट हैव टू इन टू द डिटेल ऑफ ईच नोटिस बिकॉज द फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज सेम कंटेंट विल चेंज एंड सो यू विल बी आज द क्वेश्चन Prepare a notice for uh, students of a school, informing them that the school will remain closed for five days. एक notice बनाएँ अपने school के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें लिखा रहेगा कि school जो है, पांच दिनों के लिए इस तारीख से तारीख तक बंद है। So what do you have to do? On the top you have to write the name of the school, then you have to write the word notice, then you have to write the word school closed. तो जैसे ही स्कूल क्लोज पढ़ा आगे पढ़ने की इच्छा होगी कि कब बंद है भाई और फिर नीचे बॉडी में बख्स के अंदर लिखा रहेगा स्कूल क्लोज फॉर दिस उसके बाद नीचे रहेगा किसके द्वारा नोटिस दिया किसने नोटिस देने वाला कौन है तो उसका नाम होगा डेजिग्नेशन होगा प्रिंसिपल ने दिया या पालक संघ ने दिया या कलेक्टर ने दिया या किसने दिया वो तो उसका नाम होगा और दोनों तरफ टॉप और बॉटम में दोनों ऊपर और नीचे तारीख रहेगी नोटिस की और जो कंटेंट है वो बॉक्स के अंदर है दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस इन ब्रीफ फॉर यू सो इन ए शॉर्ट टाइम आई एम श्योर यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द एडवरटाइजमेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट द बॉडी ऑफ द एडवरटाइजमेंट एंड ऑल्सो द नोटिस जिस तरीके से हमने एडवर्टाइजमेंट के कंटेंट को समझा कि उसमें रहता क्या है उसकी बॉडी में क्या रहता हो ऐसे नोटिस का भी एक कंटेंट होता है जिसका मैंने जिक्र किया उसकी बॉडी यदि हम उस नोटिस के कंटेंट को केयरफुली देखें तो एक क्रम में उसका एक कंटेंट रहता है बिल्कुल सधा सधाया बंधा बंधाया उसका क्रम होता है और वह क्रम जो रहता है उसको कुछ ऐसे प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड्स से पता कर सकते हैं बना सकते हैं फॉर इंस्टेंस वॉट वेन वेयर उसके बाद वॉट वेन वेयर देन वी हैव हाउ हू होम एंड देन स्पेसिफिक डेट वॉट वेन वेयर तो ये जो क्रम है इस क्रम में आप उसके कंटेंट को तैयार करें तो आपके नोटिस का कंटेंट मोटा मोटा तैयार हो जाएगा इन अदर वर्ड्स A notice content is normally prepared in this order we start with what about what and then ends up with uh, some specific date by this date or on this date or till this date so this is how the content of the notice is prepared the next is what are the types of notice for example while talking about advertisement we learnt about different types of advertisement classified and non classified displayed and within classified we learnt so many types of advertisement wanted situation vacant matrimonial lost and found etc etc similarly there are different types of notices also and they are again you can say lost and found Academic notice, notice related to sports, then cultural notice, notice related to culture, where we will mention that uh, a dance program, a dance competition will be organized at Maharashtra Mandal Bhavan from this date to this date, interested person may come. काइंड ऑफ नोटिस सिमिलरली नोटिस टू कॉलोनी और सोसाइटी दैट आई मैंशनड अर्लियर नोटिस एट पब्लिक प्लेसेस नोटिस फॉर ऑक्शन वॉट इज ऑक्शन ऑक्शन मैने नीलामी ऑक्शन मतलब नीलामी सो so, नीलामी के ऑक्शन में क्या रहेगा लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल वॉट विल बी देअर in the notice for Nilami. you see here koi party mal nikalna some party wants to dispose of its goods and so it is inviting tender or it is calling for auction कि इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ का ये रखा हुआ सामान उसकी नीलामी की जाएगी इच्छुक व्यक्ति आ जाए तो सम इंटरेस्टेड पीपल कम देयर सिमिलरली टेंडर नोटिस टेंडर मतलब क्या होता है किसी चीज़ के लिए अपना बोली लगाना पुल बनाने के लिए पुल बनाने के लिए दस लोग यदि इच्छुक हैं तो उनको कैसे पता लगेगा कि पुल बनाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है और वह देख रही चाहती है कोई पार्टी जो उसको बनाए तो एक नोटिस निकालेगी टेंडर नोटिस कि पार्टी इज इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रिज ऑन रोड सो एंड सो फॉर वैल्यू सो एंड सो दे मे सबमिट देयर रेट और टेंडर बाय दिस डेट दैट्स ऑल सो दिस इज ए टेंडर नोटिस similarly there will be notice for uh, obituary what is an obituary notice obituary o b i t u a r y obituary मतलब शोक शोक संदेश जिसमें शोक संदेश की सूचना हो उसे कहते हैं obituary तो ये शब्द याद रखें क्योंकि being an English paper राइट ए नोटिस फॉर ऑबिच्यूरी ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड एज दिस 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 ऑफ द प्लेस सो एंड सो डाइड नेचुरल डेथ वॉट इज ऑबिचुरी ऑबिच्यूरी मीन्स शोक संदेश किसी की मृत्यु पर कोई एक ऐसी सूचना जो जारी हुई है वह ऑबिच्यूरी कहलाई गई ऐसे क्लब नोटिस There are clubs which have different programs, different events at different timings on different dates. So, club notice will also be there. You can see the club notice here. In other words, academic notice, society, colony notice, obituary, public notice, auction, tender, they are all different types of notices. We don't have to study the types, what are this notices of what type, but we must remember the words because the question will use these words. It will use the word obituary, it will use the word auction, prepare a notice for auction, auction money, as I told you, auction mane nilami. It might say prepare a notice for tender, tender notice. So, what is tender? You should know. Similarly, there will be notices for club, and last is notices appeal. We appeal to the masses not to throw garbage here. We appeal to the masses. Notice is hereby given to you for submission of your work dated so and so. In other words, notices are of many types and you can see now notices of different types one after the other you will find that the contents are more or less common the sequence of the contents are more or less common the sequence i'm talking about and the body is also more or less same the structure is more or less same so you remember the structure remember few words keywords and i'm sure you will be able to make a proper notice as per the question that might come to you